गाइस, तो क्या आपको पता है कि एटीएम पॉइंट पर एसी क्यों लगा होता है? आप एटीएम हमेशा गए होंगे और आपने वहाँ पर एसी लगा हुआ भी ज़रूर देखा होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि वहाँ पर एसी क्यों लगा होता है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर एसी कस्टमर्स के लिए लगा होता है या फिर वहाँ के गार्ड के लिए लगा होता है, तो इन सब में से कोई भी बातें सही नहीं है। एटीएम में एसी क्यों लगा होता है उसको जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में एटीएम की शुरुआत कब हुई। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन यानी कि HSBC ही वो पहली बैंक थी जिसने एटीएम का कॉन्सेप्ट इंडिया में 1987 में लाया और पहला एटीएम मशीन अंधेरी ईस्ट मुंबई में लगाया गया था। तो चलिए जान लेते हैं कि एटीएम में एसी क्यों लगा होता है। असल में देखा जाए तो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हीट प्रोड्यूस करती है, उसी तरह एटीएम भी काफ़ी सारी हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि वह 24 आवर्स एक्टिव रहता है। तो उसकी हीट को बैलेंस करने के लिए एटीएम पॉइंट पे एसी लगा हुआ होता है। वैसे तो और भी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं जो कि इससे भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, पर वहाँ पर तो कोई एसी नहीं लगा होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो मशीन्स नॉर्मल एयर से भी बैलेंस हो जाती हैं, बट जो एटीएम मशीन होती है उसका वर्क ऐसा होता है कि मान लीजिए आप उसमें से कुछ पैसे निकालने जाते हैं और वहाँ पर एसी अवेलेबल ना हो और उसकी वजह से एटीएम मशीन में कोई फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसके अंदर रखा हुआ कैश जल सकता है और मनी ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक को काफ़ी नुकसान तो हो ही जाता है। इसी वजह से हर एटीएम पॉइंट पे एसी लगाया जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटीएम पॉइंट पे एसी क्यों लगाया जाता है। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।